हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड ये बॉस ऑफ इनिशियल बाजार अब इन्वेस्ट फॉर एवर हो चुका है, तो डोंट बी कंफ्यूज। पहले पहले डिस्क्लेमर ये था। एंड हम बात करने वाले हैं आज की डेट में एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड। काफी बेहतरीन रिटर्न्स देते हुए दिखाई दिया है और ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे उसमें साफ के साफ। कल की डेट की बात कर रहे थे, देखिए कल की डेट में एक ब्रेकआउट शेयर से रिलेटेड हमने बातें करी थी। आज की डेट में वो नीचे भी गया बट दोबारा भागता हुआ नजर आया। और पूरे दिन की अगर एक्टिविटी की बात करें तो कम से कम 5 से 6% भागता हुआ दिखाई दिया। और अगर प्रीवियस क्लोज से देखें तो फिर भी 3 3% भागता हुआ ये दिखाई दिया था। अवंती सीड्स की हम बात कर रहे हैं, सॉरी अवंती फीड्स की हम बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। केवल 3% बढ़ा है, स्टिल अभी 52% आपके पास गेन की अपॉर्चुनिटी है। तो इसी तरीके के गेन एक दूसरे शेयर में हमें नजर आ रहे हैं, तो उसी चीज से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अगर आपको डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ओपन कराना है तो वहां क्लिक करें और अकाउंट आपका फ्री में ओपन हो जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं वो है नाम इंडिया, निपोन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। अगर बात करें, देखिए मार्केट में तीन कंपनी एएमसी के नाम से, एसेट मैनेजमेंट के नाम से लिस्टेड है, एचडीएफसी, निपोन एज वेल एज यूटीआई। और अगर बात करूं तीनों में से मेरी जो पसंदीदा इस रिजल्ट को देख के बन गई है, वो बन गई है निपोन लाइफ। और ऐसा नहीं है मैंने ये शेयर आपको पहले नहीं बताया, बहुत बार आपको पहले बता चुके हैं। अगर आप मेरी वीडियो में जाओगे और सर्च करोगे और लिखोगे यहाँ पर इन्वेस्ट फॉरएवर के नाम से, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये काफी बार बताया। और जब इसके रिजल्ट आए थे तब भी मैंने आपको बताया था। और मेरे मेरे पास तो ये काफी नीचे लेवल से है, और यहाँ पर आज मैं सोच रहा था यहाँ पर एग्जिट करने की, बट मैंने सोचा एक बार चार्ट देखना चाहिए। और जब मैंने चार्ट देखा तो मुझे लगा कि इसे अभी बेचने का नहीं, अब तो ये खरीदने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर आप देखिए नाम इंडिया से रिलेटेड बातें करेंगे। वन डे का चार्ट पैटर्न तो 7% के यहाँ पर गेन, 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए बिल्कुल फ्लैट था, एक साथ आज के दिन में गैप यहाँ पर चार्ट भागते हुए नजर आया। वन मंथ में का चार्ट पैटर्न देखिए तो यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर लगभग 10% के एक महीने में मिल चुके हैं। वन ईयर का चार्ट पैटर्न देखिए तो देखिए यहाँ पर इस लेवल पर था, फिर गिरता हुआ नजर आया और फिर उसके बाद अच्छा खासा ये भागता हुआ नजर आया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो आपके सामने ही है। तो कंपनी को लिस्ट हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2017 में आई थी, लगभग 4 साल के भी नहीं, 3.5 साल के लगभग यहाँ पर होते हुए नजर आए। 52 वीक लो की बात करें तो देखिए 2020 को यहाँ 238 रुपीज पे था, 375 रुपए का आज के दिन इसने हाई बनाया है। तो मतलब 52 वीक हाई इसका आज के दिन बनता हुआ नजर आया है। और आज की डेट में 20 लाख शेयर यहाँ पर 20,05,410 शेयर उठाए गए डिलीवरी बेस पे, मतलब 30% शेयर। और अगर बात करते हैं यहाँ पर कंपनी की, देखिए यहाँ पर रिजल्ट आए थे और डिविडेंड भी देते हुए कंपनी नजर आई थी। यहाँ पर देख सकते हैं 5 रुपए का यहाँ पर एक्स डेट है, ओके 10 जून को यहाँ पर एग्जिट है, मतलब 9 जून को आपको लेना पड़ेगा। और आई थिंक 9 जून को यहाँ पर सैटरडे संडे ना हो, यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 9 जून को यहाँ पर क्या है, हाँ वेनसडे है, तो कोई इशू नहीं है। आप 9 जून को अगर शेयर लेंगे तो 5 रुपए डिविडेंड आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बट डिविडेंड छोड़िए, डिविडेंड के लिए हम कभी नहीं आते। और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है और कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। और यहाँ पर फेस वैल्यू है 10 रुपए का, और 10 रुपए का जिसका फेस वैल्यू होता है ना, एक बार जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है और इसने अपना वो अचीव कर लिया वो टारगेट, तो ऐसी बात है यहाँ पर हमें फिर स्प्लिट होते हुए भी हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड, तो करते क्या है यहाँ पर, इनके प्रोडक्ट देखिए, देखिए बाई इक्विटी फंड, डेट फंड्स, गोल्ड फंड्स, इक्विटी फंड्स, इसमें काम करता हुआ नजर आता है, एसआईपीज में काम करता हुआ नजर आता है, ओके। और ये अच्छा खासा, मतलब ये ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी दैट बिहेव सिमिलरली, तो मतलब अच्छा खासा है ये यहाँ पर सब कुछ इनका पोर्टफोलियो। चाइल्ड एजुकेशन के लिए यहाँ पर ये नजर आता है इन्वेस्टमेंट, ओके इन्वेस्ट मतलब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स सेविंग, गोल्ड यहाँ पर काम कर सकते हैं इस चीज में। तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह मतलब एक तरीके का म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड ही कहते हैं। और म्यूचुअल फंड में आपको पता ही है, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अभी मार्केट में लोग अपने आप खुद लगाने लग गए हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया में है, केवल 2% लोग हैं जिनमें से कुछ लोगों को ही यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आती है। और जब धीरे धीरे मार्केट में आने लग जाएंगे लोग, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो पैसा हैंडल करते हुए दिखाई देगी और मार्केट में यहाँ पर ये शेयर और भागते हुए नजर आएंगे। निपोन हो गया, एचडीएफसी हो गया, यूटीआई हो गया, एसबीआई आने वाला है, एज वेल एज आदित्य बिरला कैपिटल भी आने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे आने शेयर
मार्केट में लिस्ट होंगे और ये भागते हुए नजर आएंगे। बट अभी की डेट में बात करूं तो मेरा ये फेवरेट क्यों है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आए थे ना, काफी बेहतरीन रिजल्ट आए थे। मार्केट कैप की बात करें, यहाँ पर मिड कैप नजर आता है 21,514 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है। एज वेल एज पी की बात करें, 33% का यहाँ पर 33 का पी है और यहाँ पर आरओसी 30% का आरओसी, और 30% का आरओसी मतलब काफी बेहतरीन। डेट फ्री कंपनी, कोई प्लेजिंग नहीं, तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स इसके फेवर में नजर आते हैं। और इनके जो रिजल्ट है यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर अच्छा खासा रिजल्ट चल रहा था, बट एक बार मार्केट में गिरावट हुई, उसके बाद से धीरे धीरे करके मार्केट में लोग आए। बट अगर बात करते हैं ये पेंडेमिक के बाद, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छा खासा इसने परफॉर्म करके दिखाया और हाईएस्ट एवर यहाँ पर पिछले एक साल में, यहाँ पर बात करें मार्च के बाद, इस बार के सबसे अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, सबसे अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। इसे मैं किस लिए नहीं पकड़ रहा हूँ, क्यों नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब पेंडेमिक आया था तो मार्केट गिरी थी, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड से लोग एग्जिट होते हुए दिखाई दिए थे। बट धीरे धीरे अगर देखे तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट करके यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ विश्वास कर सकते। देखिए यहाँ पर ईयरली बेस पे बात करें, 713, फिर 780, 930, 12.6, 13.9, ओके 16.7 और 15.87, मतलब 1587 की मतलब कंसिस्टेंसी थी। बट यहाँ पर पेंडेमिक आ गया, यहाँ पर गिरावट हुई, फिर दोबारा इसने पीक पकड़ लिया। अब धीरे धीरे ये चलना शुरू हुआ है और जैसे जैसे चलेगा ये इस लेवल को बहुत जल्दी क्रॉस कर देगा, और एक बार इस लेवल को भी क्रॉस किया तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होगा। बट स्टिल अभी भी बात करें तो हाईएस्ट एवर ही प्रॉफिट है यहाँ पर। अदर इनकम जो इनकी हुई है, इनके इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया होगा वहां से, डिविडेंड या वॉट एवर जो इन्हें मिला होगा, ओके अदर इनकम क्या हुई होगी वो अभी पता नहीं है, पूरा आपको बैलेंस शीट वगैरह पढ़नी होगी तब आपको पता चलेगी। तो उनका हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट आज की डेट में हुआ है, तब जब यहाँ पर मार्केट घिरी हुई है, तब इनके इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा काम करके ओके माइंड लगा के यहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। तो 649 करोड़ रुपए का यहाँ पर हाईएस्ट एवर रिवेन्यू घटने के बाद भी प्रॉफिट जनरेट किया है। ओके तो यहाँ पर देखिए रिवेन्यू कितना 987 और यहाँ पर प्रॉफिट 849, तो इस चीज को देखना बनता है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 2410 करोड़ के रिजर्व, कोई भी डेट नहीं है, जीरो डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर अगर बात करें फिक्स एसेट भी 300 करोड़ के, इन्वेस्टमेंट 2513 करोड़ के इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं। कैश इक्विवेलेंट की बात करें, यहाँ पर 304 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट है, जो भी पैसा आता है सीधे यहाँ पर बुक में इनके दिखाई देता है। आरओसी 30 के आरओसी पे देखिए यहाँ पर इसी 20 प्लस तो आरओसी ही चलती है इनकी, और प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% के आसपास ही है, अराउंड है। तो यहाँ पर इस चीज को देखने वाला, प्रमोटर्स चाहते ही नहीं है कि हम किसी को पैसा दे। और यहाँ पर देखे एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली। डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बनाई है जिसमें एचडीएफसी, आईआईएफएल, एचडीएफसी तो खुद क्या कहते हैं एएमसी चलाता है, बट स्टिल यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है थोड़ा। यहाँ पर देखिए एलआईसी की बात करें, एलआईसी में 2.459% की यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है। और यहाँ पर पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास केवल और केवल 8% के आसपास की हिस्सेदारी है। वहां पर भी इंडसइंड बैंक, ट्रेजरी एज वेल एज वैलियंट मॉरिशियस पार्टनर एफडीआई लिमिटेड, इन्होंने हिस्सेदारी लेके रख रखी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको देखने होंगे। और मुझे हाईएस्ट एवर क्यों कह रहा हूं, यहां पर एचडीएफसी का देखेंगे ना, एचडीएफसी एएमसी में आपको दिखा देता हूं, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि इनके भी इस तरीके के रेवेन्यू नहीं आए, बल्कि इनके रेवेन्यू घटते हुए नजर आए थे। यहां पर देखिए घटते हुए नजर आए, और यहां पर ईयरली बेस पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर देखिए ईयरली बेसिस पे इनके रेवेन्यू थोड़े से ही कुछ खास नहीं बढ़े यहाँ पर, बट उनके रेवेन्यू यहाँ पर जो बढ़ते हुए नजर आए थे, इसलिए मुझे निपॉन पसंद आया। आज की डेट में ये नहीं भागा, बट निपॉन भागा। बट आपके लिए डिस्क्लेमर एक चीज हो रहा है कि एचडीएफसी भी भागता हुआ सून नजर आएगा, अभी दिखा देता हूँ वो कैसे। तो अगर देखिए यहाँ पर मैं ये चार्ट एक बार मैं आपको यहाँ पर रिमूव करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये शेयर कहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, मतलब इसने एक ब्रेकआउट देना शुरू कर दिया। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसका ऑल टाइम हाई भी देखते हैं, तो इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ पर 4753 के आसपास, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पेंडेमिक से पहले चल रहा था, और अभी तक इसने अपना ऑल टाइम हाई को टच भी नहीं किया है। इस चीज को भी है थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर बात करें, यहाँ पर शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक हेड बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक फिर शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और फिर यहाँ पर काम करिए, तो आपको पता चलेगा कि एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर इसने बस ब्रेकआउट देने पे ये यहाँ पर 2-3 रुपए और ऊपर बढ़ गया ना, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, और इस ब्रेकआउट के बाद ये शेयर और भागता हुआ दिखाई देगा। और कितना भागता हुआ दिखाई देगा वो आपके सामने है, यहाँ पर देख लीजिए कितना भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका यहाँ पर ये
इस लेवल पर जाता हुआ मुझे साफ दिखाई दे रहा है, बट एक बार इसका ब्रेकआउट आने पर, जो कि ब्रेकआउट कहां पर है वो मैं आपको बताता हूं, तो यहां के 539 के यहां पर रिटर्न्स मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर 539 के भी नहीं दिखाई देते, थोड़ा सा भी अगर देखे 46% दिखाई दे रहा है, और यहां पर अगर बात कर लेते इस लेवल से इस लेवल पर, ओके, तो 21% के, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था अभी, तो 21% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, जो कि मिलेंगे ही मिलेंगे। और बात करूं मैं यहां पर, तो इसका ब्रेकआउट तो थोड़ा सा ये 370 के आसपास क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर 375 के आसपास ये कोड क्रॉस कर देता है, तब ये शेयर दोबारा यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। इस लेवल को क्रॉस करेगा पहला टारगेट, यहाँ पर देख लीजिए 21% के टारगेट है, जो कि अपसाइड मूव है, फिर उसके बाद दूसरा टारगेट इसका 46% है, और 46% के रिटर्न एक साल में मिल गए तो कोई घाटा नहीं, और ये 21% के रिटर्न मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर ब्रेकआउट साफ दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि एक साथ भागता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ऊपर धीरे 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 करके वो यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा। और वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर देखिए, अच्छे खासे वॉल्यूम थे आज की डेट में 342, अगर बात करें 342,000 के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम हमें नजर आया है। इसी तरीके का मैं यहाँ पर बात करूंगा HDFC AMC की, दोनों ही आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कभी और इसके बारे में फुल वीडियो बनाएंगे, बट आपको एक शॉर्ट यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए कि इसी तरीके का एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अभी क्रॉस किया नहीं है, यहाँ तो और ज्यादा अपसाइड है, तो इसकी इस टारगेट के लिए यहाँ पर जा सकते हैं, लगभग सेम टारगेट है, सेम तो नहीं कहेंगे और ज्यादा है क्योंकि ये नीचे है, बट यहाँ पर बात करें यहाँ पर इसको उसने क्रॉस कर दिया है निपॉन ने, और यहाँ पर इसने क्रॉस नहीं किया क्योंकि ये वो मिड कैप है और ये आई थिंक लार्ज कैप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर देखे तो हाँ ये लार्ज कैप नजर आता है इसलिए। तो HDFC के रिलेटेड भी अगर आप चाहिए तो आप बताइएगा, यहाँ पर हम वीडियो बनाएंगे, और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओके, आपको खुद की स्टडी करके यहाँ पर सब काम करनी है, और एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी है। हम यहाँ पर सिंपल आपको बताते हैं नॉलेज के पर्पज से कि किस तरीके से आप किस चीज को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कल की डेट में ब्रेकआउट स्टॉक ये पकड़ा था, इससे पहले हमने JTE KTE पकड़ा था, और भी बहुत सारे यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, हमने यहाँ पर वीडियोस बना रखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ओके, यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है, इन प्लेलिस्ट में जाके आप ये Q4 के रिजल्ट, ये ब्रेकआउट स्टॉक्स, ये यहाँ पर एक और स्टॉक मतलब बिगनर्स के लिए, तो इन वीडियोस को भी जाके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम अपनी स्टडी करते हैं और स्टडी के बेस पे ही हम यहाँ पर काम करते हैं। और आज की डेट में बहुत सारी वीडियोस आएंगी तो उन वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।